हरियाणा के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में भी पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी ही रही। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, किसान जवान के मसले पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इस रैली में कांग्रेस पर अनुच्छेद 370 को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को ना तो भारत की एकता से कोई मतलब है, ना ही संविधान की कोई चिंता। जिनको मां भारती की चिंता नहीं, वो देश का हित कैसे सोच सकती है। पांच अगस्त को वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसकी देश ने एक तरह से उम्मीद ही छोड़ दी थी। 70 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो हमने 5 अगस्त को हटा दी। लेकिन भाइयों और बहनों, तभी से एक कांग्रेस वालों में, उनकी मिलीभगत वालों के पेट में ऐसा दर्द उठा है कि कोई दवा काम ही नहीं कर पा रही है। हरियाणा के सोनीपत के संस्कार ऐसे ही बने। इस मिट्टी में ही सद्भाव है, इस मिट्टी में ही सदाचार की सीख है। सोनीपत का तो मतलब ही है किसान, जवान और पहलवान। 2014 से पहले भारत के खेलों में तमाम घोटालों, गपलों और विवादों की ही खबरें आती थी। जब भी खेल की खबर आती थी तो साथ साथ घोटाले की खबर आती थी। कौन कितनी मलाई खा गया उसकी चर्चा आती थी, खेल की चर्चा ही नहीं आती थी। लेकिन बीते 5 वर्षों में गौरव और सम्मान की खबरें खेल के मैदान से देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। जो कॉमनवेल्थ खेल घोटाले की वजह से हमारी बदनामी का कारण बना था, उनमें हमने आज हमारे देश के जवानों ने, हमारे खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है।